मतगणना के दौरान पारदर्शिता और स्वच्छता बरकरार रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। मतगणना पंडाल में पहचान पत्र वाले व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। स्ट्रांग रूम से मतगणना पंडाल तक ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचेंगे। हर टेबल की गिनती प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट के सामने होगी। मतगणना पंडाल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई भी अड़चन आने पर प्रेषक और निर्वाचन अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। मतगणना को लेकर विपक्षी दल जो संशय फैला रहे हैं, इससे इतर चुनाव आयोग पूरी तरीके से फुल प्रूफ व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। पारदर्शी सिस्टम के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुतमईन है। हर विधानसभा सीट पर 14 टेबल लगाई गई हैं। उन 14 टेबलों की वीडियोग्राफी होगी। सीसीटीवी कैमरे के अंडर पूरा प्रोसेस मतगणना का संपन्न कराया जाएगा। 4+1 कर्मचारी एक टेबल पर मौजूद रहेंगे। ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकलकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्धारित टेबल पर निर्धारित विधानसभा में पहुँचेंगी। उसके साथ ही प्रेक्षक जो मतगणना प्रेक्षक हैं उनकी निगरानी में ये मतगणना संपन्न होगी। आप देख सकते हैं कि जो मतगणना पांडाल है उसके साथ ही प्रेक्षक रूम बनाया गया है। यहीं जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। सभी अधिकारियों की मौजूदगी में ये मतगणना संपन्न कराई जाएगी। अगर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत कहीं आती है तो तुरंत प्रेक्षक वहां पहुंचकर मतगणना पांडाल का जायजा लेंगे। दोनों जगहों की गणना अलग अलग स्थलों पर है और 18 आगरा की जो मतगणना है वह नवीन मंडी स्थल आगरा में है और 19 फतेहपुर सीकरी की मतगणना खिरागढ़ मंडी समिति में। दोनों जगहों पर तैयारियां जितनी भी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट है वो कंप्लीट की जा चुकी है। इससे पहले हम लोगों ने मतगणना कार्मिकों की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करवा ली। जो भी प्रत्याशी हैं उनसे लगातार समन्वय बनाते हुए, संपर्क करते हुए उनको विभिन्न प्रकार के निर्देश जो कमीशन के उनसे अवगत करा दिया गया। उनके लिए जो भी अरेंजमेंट्स होने हैं वो सब करवा दिए गए हैं और सभी लोगों से एक समन्वय बनाते हुए हम यही प्रयास करें कि बहुत ही अच्छी काउंटिंग हो, किसी भी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो। इतनी भीषण गर्मी में जो मतगणना कार्मिक आ रहे हैं, मतगणना एजेंट आ रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट के अरेंजमेंट, पंखा कूलर आदि की जो व्यवस्था है उनको भी दुरुस्त करवाया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई भी अगर आरोप लगाता है या कोई शिकायत करता है तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा। मतगणना में किसी भी तरीके का व्यवधान ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहेगा, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अगर कोई ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उस ईवीएम को तत्काल ठीक किया जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो वीवीपैट की पर्ची से मिलने वाले मतों का मिलान किया जाएगा ताकि कोई मतगणना पर किसी भी तरह के आक्षेप ना लगा सके। चुनाव आयोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से पारदर्शी सिस्टम से मतगणना संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। मंडी समिति से अपने साथी राहुल शांत, मनीष जैन और इंद्रजीत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।